प्रिय बच्चों, प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के पहले वाले भाग को देखिए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी भी विधि से, किसी बीजगणितीय विधि से बेटा ज्ञात करना है। पहला पाठ है इसका, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक बेटा, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, रुपया 1000 छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। आपसे पूछा गया है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बेटा बड़ा है लिखा गया है, लेकिन है बहुत ही आसान, छोटा है लिखा बड़ा गया है। देखिए कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय समझ रहे हो, महीने का व्यय, एक भाग नियत है, माने आपको एक फिक्स भाड़ा देना है, फिक्स जो है किराया देना है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। ठीक, जब एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है, कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन, तो उसे 1000 रुपये छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं। दूसरा विद्यार्थी जो बी है वह 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। करा नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नियत व्यय आपसे पूछा गया कि नियत व्यय एक फिक्स व्यय कितना करना पड़ेगा, यानी कितना देना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ मान ले रहे हैं, माना नियत व्यय जो है बराबर रुपया एक्स, कितना एक्स रुपया, नियत व्यय हमने मान लिया एक्स रुपया, और प्रतिदिन के भोजन का व्यय यह हमने मान लिया बेटा रुपया वाई। ठीक, हमने नियत व्यय एक्स रुपया मान लिया और प्रतिदिन के भोजन का व्यय कितना माना, वाई रुपया। ठीक, अब देखिए करें विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, ये जो कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन, कितना देना पड़ा, 1000 रुपये। तो बेटा जो 1000 रुपये जो दिया है उसमें आपका जो है 20 दिन का भोजन का है और प्लस नियत है, 20 दिन का भोजन का व्यय और प्लस नियत, इसलिए प्रथम शर्तानुसार पहले हम ए को देखें, एक कई दिन भोजन करता है, 20 दिन, तो 20 दिन का वो किसने दिया, कितना रुपए किराया दिया, 1000 रुपये। तो उसमें 1000 रुपये में क्या क्या सम्मिलित है, माने आपका नियत किराया एक्स, जो नियत व्यय है आपका एक्स रुपया, और प्लस हर रोज आपका भोजन का व्यय वाई रुपया है, 20 दिन भोजन किया है बेटा, तो एक दिन का अगर कर रहा है तो वाई रुपया दे रहा है, दो दिन करेगा तो 2y देना पड़ेगा, तीन दिन करेगा 3y, यानी 20 दिन कर देना पड़ेगा, 20 दिन करना पड़ेगा तो 20y, कितना बेटा 20y। इसलिए प्रथम शर्तानुसार बेटा हो जाएगा एक्स रुपया आपका नियत प्लस 20y रुपया भोजन का, ये नियत किराया, अब प्लस 20y क्या भोजन का, यही बराबर कितने की, 1000। एक्स प्लस 20y एक्स प्लस 20y इक्वल टू 1000। ये बेटा समीकरण एक बन गया।
फिर समझिए, ए ने 20 दिन भोजन किया है और उसे अदा कितना करना पड़ा, 1,000 रुपये। तो इस 1,000 में क्या क्या सम्मिलित है? एक तो फिक्स यानी नियत, नियत खर्च यानी नियत व्यय 100 रुपया, और प्लस 20 दिन के भोजन का खर्च। 20 दिन के भोजन का खर्च भाई, 1 दिन के भोजन का खर्च Y रुपया, प्रतिदिन माने एक दिन के भोजन का खर्च Y रुपया, तो 20 दिन के भोजन का खर्च 20Y। बोलो हुआ कि नहीं? 1 दिन के भोजन का खर्च Y, तो 20 दिन के भोजन का खर्च 20Y, यानी X नियत और प्लस 20Y भोजन, इन दोनों को मिलाकर कितना खर्च करना पड़ा, 1,000, यानी X प्लस 20Y बराबर 1,000 बेटा। ठीक, द्वितीय शर्त क्या होगा? द्वितीय शर्तानुसार बी ने, देखो बी ने 26 दिन भोजन किया, 26 दिन भोजन किया तो उसे कितना देना पड़ा, 1180। तो जो 1180 रुपया है बेटा, उसमें क्या क्या सम्मिलित है? एक तो नियत व्यय X रुपया, प्लस 26 दिन के भोजन का खर्च, 26 दिन के 26 दिन के भोजन का खर्च, 1 दिन के भोजन का खर्च Y रुपया, तो 26 दिन के भोजन का खर्च 26Y हो जाएगा। ठीक, तो द्वितीय शर्तानुसार हो जाएगा X प्लस 26Y और यही बराबर कितने के, 1180 रुपया बेटा, समीकरण 2 हो गया। समझ में आ गया होगा? फिर समझिए, 26 दिन जो बी जो है 26 दिन भोजन करता है तो कितना अदा किया, 1180। तो 1180 में बेटा X रुपया तो नियत हो गया, नियत भी है X रुपया, आपको देना ही देना है। इसके बाद 1 दिन यदि भोजन करेंगे तो Y रुपया देना पड़ेगा, 26 दिन भोजन करेंगे तो 26Y देना पड़ेगा, यानी X प्लस 26Y बराबर 1180। अब ये 2 समीकरण बन गए, इन दोनों को बेटा हम हल कर दें, इन दोनों को हल कर दें। अब आपको किसी भी विधि से हल करना है, किसी भी विधि से हल करना, हम विलोपन विधि का उपयोग कर दे रहे हैं। इसी समीकरण 2 के नीचे समीकरण 1 लिख रहे हैं, X प्लस 20Y इक्वल टू 1000। घटा दें बेटा, क्या करें, घटा दें, जानते हो घटाने में चिन्ह बदलता है, घटाने पर ये प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, एक्स एक्स कट गया, 26Y और 20Y, 26 में से 20 निकल गया, 6Y बराबर 1180 में से 1000 निकल जाएगा, 180। बोलो, तो वाई बराबर 180/6, 6×3=18, वाई बराबर कितना, 30। तो इस तरह से प्रतिदिन का व्यय कितना निकल गया, 30 रुपया, वाई बराबर 30। ठीक बेटा, अब वाई का मान समीकरण, चलिए 1 में रख रहा हूँ, 1 में रखें चाहे 2 में रखें, 1 में रखने पर तो 1 लिख दे रहा हूँ। बोले एक्स प्लस 20Y इक्वल टू 1000, एक्स प्लस 20 × Y का मान 30 बराबर 1000, एक्स प्लस ये हो गया बेटा 600 बराबर 1000, 20×30=600, तो एक्स बराबर 1000 − 600 बेटा, यानी एक्स बराबर 1000 × 600 निकाल लीजिए, 400। ठीक, तो इस ये मेरा आंसर हो गया, क्या मिला, नियत, इसलिए नियत व्यय बराबर 400 रुपया, एक्स का मान 400 आया, नियत व्यय एक्स माने हो तो एक्स बराबर 400 रुपया। ठीक बेटा, अच्छा प्रतिदिन व्यय, प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर Y रुपया है, यानी हो गया ये 30 रुपया। ठीक बेटा, तो इस तरह से यह सवाल सॉल्व हुआ। ठीक बेटा, धन्यवाद।